सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आज के वीडियो में हम कैनन इमेज रनर 2004 वर्जन का जो ऑल इन वन प्रिंटर है उसमें इस कैटरेज को इंस्टॉल करेंगे। उसमें कैटरेज का कुछ एरर शो कर रहा है, तो इस कैटरेज को हम किस तरह से इंस्टॉल करेंगे ये पूरा ट्यूटोरियल मैं बना के आपको दिखाने वाला हूँ। सो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड अगर पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं आप, ये फेस अगर पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। सो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो ये है कैनन का इमेज रनर 2004 वर्जन, ठीक है। स्कैन करता है, प्रिंट करता है, फोटोकॉपी करता है। इसकी कैपेसिटी कम से कम 500 पेपर्स तक है। यहाँ पे देखिए शो कर रहा है प्रिपेयर द टोनर कैटरेज। ये कैटरेज जो है उसे रिफिल करना पड़ेगा क्योंकि उसका इंक जो है ख़त्म हो चुका है। सो मुझे एक नया कैटरेज की ज़रूरत है। कैसे निकालते हैं पुराना कैटरेज, देखिए इस बॉक्स यहाँ से ओपन करना है। एक हैच होता है यहाँ लेफ्ट साइड में, ये देखिए, ठीक है। और लाइट ऑन कर देता हूँ मैं, ठीक है। कौन सी टाइप का इसमें टोनर लगेगा वो भी ऊपर लिखा हुआ है, NPG 59 टोनर। ये एक हैच है, ये करने के बाद आपका ये जो टोनर है वो लॉक हो जाता है, ठीक है। इस देखिए, और इससे आपका प्रिंट भी बंद हो सकता है क्योंकि वो सही जगह पे उसका वो लिंक जो है पहुँचता नहीं है, ठीक है। तो इसे हमें निकालना कैसे, यहाँ पर देखिए एक स्विच है, एक क्लिप टाइप का है, यहाँ पे इसे प्रेस करना होता है, ठीक है। प्रेस करने से वो क्लिप वहाँ से हट जाता है, लॉक हट जाता है। तो इसे प्रेस करके ऐसे ऊपर की तरफ घुमाइए एंड फिर से प्रेस करके आपको बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से ही निकलेगा नहीं, ओके। बस आपको प्रेस करके ही निकालना है, ठीक है। ये देखिए निकल रहा है, ये मेरा टोनर है पूरी तरह से खाली हो चुका। तो इसे हमें रिफिल करना, इसे रखते हैं अभी हम साइड में। तो ये है नया टोनर NPG 59। इसका जो मुंह है, मतलब ओपनिंग है जहाँ से ये इंक बाहर आएगा, उसे सील किया होता है एक प्लास्टिक से। इसे हमें खींच के निकालना होता है, ठीक है। इसे आप इस तरह से खींच के यहाँ से निकाल सकते हैं, थोड़ा टाइट होता है, आराम से निकालिए, ठीक है, कहीं आपका इंक नीचे गिर ना जाए। ये देखिए पूरी तरह से फुल है, कम से कम आपके 10,000 से भी ज़्यादा पेपर्स के यहाँ पर पूरा इंक है, एकदम फुल है। जिस तरह से हमने निकाला हुआ था सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे ये देखिए लॉक को इस्तेमाल करके डालना है। सीधे इस तरह से डालिए, ठीक है। और पुश करके आपको लेफ्ट की तरफ मोड़ देना है, बस आपका काम हो गया, और कुछ करना है नहीं। अब इस बॉक्स को यहाँ पे बंद कर देते हैं। यहाँ पे देखिए वो टोनर करेक्टिंग कर रहा है, करेक्ट होने के बाद, और वो एरर शो नहीं करेगा, प्रिपेयरिंग नहीं करेगा, प्रिपेयर टोनर ऑन नहीं लिखेगा यहाँ पे। देखिए देखिए करेक्शन हो गया, अभी और कुछ यहाँ पे शो नहीं करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।